हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन के बाद आज आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीजें लेकर आया हूँ कि अब तक तो मैंने यही बता रहा था कि आप किस तरह से क्या चीजें बना सकते हैं। सिर्फ कस्टमर के लिए होता था, अब उन लोगों के लिए भी के एक नया ऑफर हमारी कंपनी ने लॉन्च की है कि जो क्या एंड्रॉयड डेवलपर हैं, आईएसओ डेवलपर हैं या इस तरह से पीएचपी के डेवलपर हैं, उन लोगों के लिए हमने क्या हायरिंग स्टार्ट की है। क्योंकि अभी हमें टीम को ब्रॉड करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से मैं बहुत दिनों से अभी टीम को ब्रॉड करने की में लगा हुआ था। तो अभी मुझे और रिक्वायरमेंट है, अभी लगभग 15 से 16 लोगों की टीम है फिलहाल मेरे पास। लेकिन अभी इसके अलावा भी मुझे और इससे ज्यादा कम से कम 10 से 15 टीम और चाहिए, जो एंड्रॉयड में हो, आईएसओ में हो और पीएचपी में हो। तो आइए मैं इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ कि जिस तरीके से मैं कस्टमर के लिए मैं ऑफर लेके आता था, मैं कस्टमर को ऑफर के लिए बताता था, सेम एज इट इज इस तरह का। वो लोग जो अच्छे डेवलपर हैं उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमारी कंपनी की तरफ से कुछ एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप इच्छा है कि आप हमारे कंपनी से ज्वाइन होकर काम करें तो मोस्ट वेलकम। अगर आप पीएचपी डेवलपर हैं, फ्लैटर डेवलपर हैं या इस तरह से एंड्रॉयड के डेवलपर हैं तो आपके लिए हमारी कंपनी में स्वागत है। यहाँ पे एक बात है कि चाहे फ्लैटर हो या पीएचपी हो या फिर एंड्रॉयड के हो, लगभग लगभग सब सब में तीन तीन सीट मिनिमम है और मैक्सिमम सब में तीन पांच पांच सीट है। अभी फिलहाल जो है कि लगभग 4 से 5 लोग अभी डेवलपर हैं हमारे पास एंड्रॉयड एंड आईएसओ के। बट अभी हमें और इतने रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारे पास काम ज्यादा है, क्योंकि काम सबसे ज्यादा जो हमारे पास आती है वो बाहर कंट्री के होते हैं, जैसे दुबई है, सऊदी है, कतर है, कुवैत है या इस तरह से इंडिया में भी है। इंडिया में मुंबई है, केरला है, आपका तमिलनाडु है, आपका वेस्ट बंगाल है। इस तरह से आप यू कह लीजिए कि गल्फ की बात कर लें, गल्फ में सबसे ज्यादा होता है, अरेबिक है, इंग्लिश है। अगर आप अरेबिक जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको गल्फ में काम करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि हमारे पास अरेबिक का भी काम होता है और हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अरेबिक में कई एक साइट हमने बनाई है और उसमें कई चीजें भी की है, मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई है। तो खैर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बता दूं आपको कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए और किस टाइप की ऐप है। मैं आपको वो भी ऐप सैंपल दिखाऊंगा कि किस टाइप की ऐप हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो रिक्वायरमेंट देखने से पहले कि हमारे कंपनी में अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, उन देखने से पहले पहले ये देख लेते हैं कि हम किस टाइप की एप्लीकेशन बनाते हैं और किस टाइप की एप्लीकेशन आप उसमें देख सकते हैं, राइट। तो आते हैं सबसे पहले कि हम जो एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी के बने हुए हैं, ये सिंगल वेंडर में के हैं, जो कि कर्नाटक का क्लाइंट है, वहां के क्लाइंट है, इन्होंने का इस तरह से हमने बना रखे हैं ऑलरेडी और इसको बहुत अच्छा अच्छी रेटिंग है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं ये बंदा और सब ठीक ठाक है, ठीक है। तो इस तरह के ऐप होती हैं का जो आपको डेवलप करनी होती है या फिर डेवलप करना पड़ेगा इस तरह के। और सिंगल वेंडर में और एक है, ये है, इस टाइप के ऐप होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक आपका मल्टी वेंडर की आ जाती है, मल्टी स्टोर में आ जाती है ये चीजें। आपको मल्टी स्टोर भी के इस टाइप की चीजें मल्टी स्टोर में भी है, मल्टी वेंडर में भी है, सिंगल वेंडर में भी है हमारे पास अवेलेबल। तो इस टाइप की चीजें हमें बनानी होती है, उसको सेटअप करना होता है, हर कस्टमर के लिए कस्टमाइज करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें होती है जो हमें डेवलप करना होता है, उसको कोडिंग बेस पे अलग अलग तरीके से, किसी का डिजाइन कुछ होता है, किसी का डिजाइन कुछ होता है, किसी कुछ होता है, तो उस हिसाब से उसको डिजाइन करना है। सबसे ज्यादा जो हमारे पास काम होता है वो होता है आपका मल्टी वेंडर का। ये आपका वेस्ट बंगाल का एप्लीकेशन है जो हम ऑलरेडी लाइव है, इस टाइप के हम एप्लीकेशन बनाते हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमारे किस टाइप के काम होते हैं नहीं होते हैं। ये आपका आसाम का है, आसाम का क्लाइंट है, उसका भी इस टाइप का एप्लीकेशन है। तो कुछ एप्लीकेशन है जो सिमिलैरिटी है, कुछ एप्लीकेशन जो डिफरेंट है, जैसे इस ये है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसका आपको वेबसाइट भी है, मोबाइल ऐप भी है, आपका एंड्रॉयड ऐप भी है, आईएसओ ऐप भी है, तीनों तीनों चार चीजें हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की एप्लीकेशन होता है। इसका आईएसओ ऐप अगर बात कर लें तो आईएसओ ऐप भी इसका अवेलेबल है। इसके बाद आप जो बात कर लेंगे फ्लैटर की, फ्लैटर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के डेट में लोग फ्लैटर पे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो लोग जो कभी जानते हैं एप्लीकेशन के बारे में, वो लोग भी फ्लैटर को डिमांड करते हैं, क्योंकि फ्लैटर में ये है कि एक साथ ही दोनों एप्लीकेशन बन जाते हैं, एंड्रॉइड भी आईएसओ भी, इसलिए फ्लैटर के भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास।
तो ये आपका एक फ्लैटर बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। इस टाइप के एप्लीकेशन का हम डेवलप करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहें आप देख सकते हैं, ये फ्लैटर ये कॉमर्स बेस्ड है, एपीआई इंटीग्रेट के बेस्ड है। इसके अलावा बहुत सारे इस तरह फ्लैटर के एप्लीकेशन आते हैं हमारे पास जो होता है। तो खैर मैं शॉर्ट में अभी बात कर लूँ कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। ये अर्जेंटली जॉब है, एज सुन एज पॉसिबल ये हमारे जो ऑफिस है ओखला में, ओखला जामिया नगर आपका मैं नियर बाय मेट्रो स्टेशन जो जामिया मिल्ली मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, जामिया मिल्ली जो यूनिवर्सिटी है वो नियर बाय पड़ेगा। इसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर हमें सीवी जो है आप डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं, मेल में सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, इसमें कम से कम आपका 2 साल से लेकर 6 साल के बीच तक एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर है। वैसे आप 1 ईयर के भी अगर आपके एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर के लिए ये नहीं है। अच्छा, इसकी सैलरी की जहां तक बात है एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, जैसे आपके एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी फिक्स होगी, लेकिन मिनिमम है वो आपका 4 लाख से ऊपर ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें की बात है कि अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन हम हाइब्रिड ऐप भी बनाते हैं, नेटिव ऐप भी बनाते हैं और एंड्रॉइड और आईओएस दोनों चीज के लिए बनाते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या यूज करते हैं, क्या फ्लैटर फ्रेमवर्क भी यूज करते हैं, इसके अलावा एक्सकोड के जो होते हैं वो भी यूज करते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो वो भी यूज करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क पे काम होता है। इसका रिएक्ट नेटिव का भी हमारे पास काम होता है, रिएक्ट नेटिव जैसे रिएक्ट नेटिव है, एंगुलर है, इन सारे काम ये सब भी काम होते हैं हमारे पास। तो उसके लिए मैंने इसमें अभी मेंशन नहीं किया, अगर आप वो भी जानते हैं तो आप उसके लिए मोस्ट वेलकम, आप अप्लाई कर सकते हैं। की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन आपका बीसीए एमसीए बीटेक है आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हैं कोई इस कोर्स के इन चीजों के अलावा भी बट आपको नॉलेज है ऐप डेवलपमेंट की तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितना एक्सपीरियंस वाले हैं, कितना आप जानते हैं वो मैटर करता है। ये आपका लाइव इंटरव्यू रहेगा, कर सकते हैं। ये जो जॉब है ये आपको 15 नवंबर तक है, अभी आपका 6 नवंबर का आज है, आप 15 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 नवंबर तक आप इसमें आके एक ऑफिस में डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू भी दे सकते हैं। हमारे ऑफिस का जो पता है कैपिटल टेक्नोलॉजी के नाम से हमारा ऑफिस है, आप गूगल करेंगे ऑटोमेटिक गूगल से मिल जाएगा, या व्हाट्सएप करेंगे तो बहुत सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की मैंने सारी चीजें ये बता दी है, ये कुछ कैटेगरी है, आईटी डिपार्टमेंट के होने चाहिए, फुल टाइम हमें फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम भी चाहिए। अगर आप कहीं भी कोई जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप क्या आप भी अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम, लेकिन ऑफिस बेस्ड पे काम होगा। हाँ, हो सकता है कि एक होम बेस्ड पे भी काम आपको मिल जाए बट वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर हो सकता है कि एक्सपीरियंस आपका कैसा है नहीं है, उसके बाद ही हम आपको चीजें बता सकते हैं, लेकिन लाइव इंटरव्यू फेस टू फेस होने के बाद ही ये सब चीजें पॉसिबल है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप जॉबलेस हैं या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं बट एक्स्ट्रा इनकम की चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एज ए पार्ट टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका रिज्यूम का मैं इंतजार करूंगा, एज सुन एज पॉसिबल हायरिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।